अल्लाहम स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी विल डू द क्वेश्चन नंबर वन टू एट एक्सरसाइज वन यूनिट नंबर सिक्स यूनिट्री मैथड सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन एंड फर्स्ट एड द क्वेश्चन केयरफुल सो द क्वेश्चन नंबर वन इज़ द प्राइस ऑफ वन जोमेट्री बॉक्स इज रुपीज सेवेंटी सिक्स एक जोमेट्री बॉक्स की आपको वैल्यू दी हुई है जी सेवेंटी सिक्स है और आपने बतानी है फाइंड आउट द प्राइस ऑफ ट्वेंटी सिक्स जोमेट्री बॉक्स कि ट्वेंटी सिक्स जोमेट्री बॉक्स की कितनी होगी तो अगर आपको एक की गिवन हो तो फिर जितने के भी आपसे पूछा जाएगा आप उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा तो जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसकी बेस पे हम लिखेंगे प्राइस ऑफ वन जोमेट्रिक बॉक्स इज इक्वल टू रुपीज़ सेवेंटी सिक्स प्राइस ऑफ ट्वेंटी सिक्स जोमेट्रिक बुक्स कैलकुलेट करने के लिए आप ट्वेंटी सिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स रुपीज़ बनते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टू देखें जो बिल्कुल इसी तरह का ही है प्राइस ऑफ़ वन आइसक्रीम इज़ रुपीज़ फ़िफ्टी फाइव एक आइसक्रीम की प्राइस आपको दी है जी फिफ्टी फाइव रुपी है फाइंड आउट दी प्राइस ऑफ़ सेवनटीन आइसक्रीम आपसे पूछा है कि सेवनटीन आइसक्रीम की प्राइस कितनी होगी तो सेम वैसे ही आप लिखेंगे जी प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम आपके पास जो सा रुपीज़ फ़िफ्टी फाइव है सेवनटीन की कैलकुलेट करने के लिए सेवनटीन के साथ मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लीकेशन के बाद रुपीस नाइन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव रुपीस आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन थ्री देखें इफ दी प्राइस ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट इज रुपीज थर्टी सेवन एक पॉपकॉर्न का जो पैकेट है वो थर्टी सेवन रुपीज़ का और आपसे कहा है सेवनटी वन पॉपकॉर्न के पैकेट कितने के होंगे तो सेम इसी तरह जैसे आपने दो क्वेश्चन किए हैं थर्ड वाला भी सेम उसी तरह का ही है प्राइस ऑफ वन पॉपकॉर्न पैकेट आप लिखेंगे रुपीज थर्टी सेवन प्राइस ऑफ सेवनटी वन पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न सेवेंटी वन कितने के होंगे आप थर्टी सेवन को सेवनटी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सेवन आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर देख लें आप बैग वेट ट्वेंटी वन किलोग्राम एक बैग है उसका जो वजन है वो है जी इक्कीस किलोग्राम वट विल बी वेट ऑफ फिफ्टीन बैग्स तो अगर इस तरह के पंद्रह वेट पंद्रह बैग होंगे तो उनका वज़न कितना होगा तो आप इसी तरह जैसे हमने पहले सवाल किए हैं कि वन बैग का जो वे वेट है वो है ट्वेंटी वन के जी पंद्रह बैग का वेट कैलकुलेट करने के लिए आप ट्वेंटी वन को फिफ्टीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद थ्री हंड्रेड फिफ्टीन किलोग्राम आपके पास आंसर आ गया तो ये आपका आंसर है अब जो क्वेश्चन बाकी हैं ये डिवीज़न वाले हैं द कैपेसिटी ऑफ फिफ्टीन आइडेंटिकल बसेज इज़ फाइव फिफ्टी फाइव पैसेंजर एक पंद्रह जो बसें हैं उसमें पाँच सौ पचपन मुसाफिर बैठ सकते हैं दैन वट विल बी कैपेसिटी ऑफ वन बस तो एक बस की कितनी होगी पंद्रह का आपको बता दिया है और आपसे कहा आप एक बस बस की कैपेसिटी कितनी होगी तो एक के निकालने के लिए आप क्या करेंगे जो आपको वैल्यूज़ गिवन है उसको आप डिवाइड कर देंगे फ़ाइव फिफ्टी फाइव को आप फिफ्टीन के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक बस की एक बस के पैसेंजर्स निकल आएंगे यहाँ पे आप फाइव फिफ्टी फाइव लिखेंगे 15 थ्री द फोर्टी फाइव होगा टेन नीचे आ जाएगा फाइव को आप नीचे उतारेंगे वन जीरो फ़ाइव बट बनेगा फ़िफ्टीन सेवन द वन ज़ीरो फ़ाइव तो थर्टी सेवन पैसेंजर्स आपके पास यहाँ पे आ गए एक बस में थर्टी सेवन पैसेंजर्स की कैपेसिटी है क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लें दी प्राइस ऑफ़ ट्वेंटी सिक्स किलोग्राम शुगर इज़ रुपीज़ वन वन नाइन वन वन सेवन जीरो वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज़ प्राइस है ट्वेंटी सिक्स किलोग्राम शुगर की तो आपसे कहा है कि एक किलोग्राम शुगर की प्राइस आपने बतानी है कि वो कितने की होगी तो आप इस तरह लिखेंगे इसको प्राइस ऑफ ट्वेंटी सिक्स किलोग्राम शुगर छब्बीस जो किलोग्राम शुगर है उसकी जो प्राइस है वो जी वन थाउजेंड वन हंड्रेड सेवेंटी एक के निकालने के लिए आप इसको जो यहाँ पे वैल्यू दी होगी उसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास ट्वेंटी सिक्स आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो ट्वेंटी सिक्स फोर द आपके पास वन जीरो फोर आएगा इसको माइनस करेंगे थर्टीन बचेगा जीरो आप नीचे उतारेंगे वन थर्टी बन जाएगा ट्वेंटी सिक्स फाइव द वन थर्टी फोटी फाइव रुपीज़ आपके पास बनी एक किलोग्राम शुगर की प्राइस क्वेश्चन नंबर सेवन देख लें इफ़ द रेंट ऑफ ए हाउस फॉर एट मंथ्स आठ महीनों का अगर घर का रेंट है वो है जी इतना तो फाइंड आउट द रेंट ऑफ हाउस फॉर वन मंथ तो एक मंथ का कितना होगा ये आपने कैलकुलेट करना है ये भी डिवीजन वाला क्वेश्चन है एट मंथ का जो रेंट है वो आपने लिख लिया वन मंथ का निकालने के लिए ये वाली जो यहाँ पर वैल्यू होती है इसके साथ आप इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर डिवीज़न आप करेंगे इसकी पहले आप जो सा है एट वन दट करेंगे फिर आपके पास माइनस करके सिक्स नीचे आ जाएगा फाइव आप नीचे उतारेंगे एट एट दा सिक्सटी फोर वन बच जाएगा आपके पास सिक्स आप नीचे उतारेंगे एट टू दा सिक्सटीन होगा फिर आप ये एट नीचे उतारेंगे एट वन दट आ जाएगा और ये वाला जीरो ऊपर चला जाएगा तो एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड टेन रुपीज़ जो सा वो वन मंथ का रेंट आपके पास निकल आया लास्ट क्वेश्चन इसका देख लें क्वेश्चन नंबर एट कॉस्ट ऑफ थर्टी फाइव रजिस्टर थर्टी फाइव जो रजिस्टर है उनकी जो कीमत है वो है जी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव तो पूछा गया कि वन रजिस्टर की कॉस्ट बताएं कि वो कितनी होगी तो सेम जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किए हैं ये भी ऐसा ही है कॉस्ट ऑफ थर्टी फाइव रजिस्टर आप लिखेंगे फाइव थाउजेंड सेवनिटी फाइव वन रजिस्टर कैलकुलेट करने के लिए थर्टी फाइव के साथ डिवाइड करेंगे थर्टी फाइव वन था थर्टी फाइव आपके पास फिफ्टीन बच जाएगा माइनस करने के बाद सेवन आप नीचे उतारेंगे थर्टीन थर्टीन फाइव द आपके पास वन फोटी आएगा सेवनटीन बच जाएगा फाइव नीचे उतारेंगे थर्टीन थर्टी फाइव फाइव का वन सेवनटी फाइव हो गया तो ये वन फोटी फाइव आपके पास आंसर आ गया इसका तो इस तरह हमने क्वेश्चन वन टू एट ये सारे क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज वन के